हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम गणित के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न को देखेंगे जिसमें हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है आज इन तीनों विधि को इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स आपसे निवेदन है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे आपको यदि विलोपन प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आप उस प्रश्न को आसानी पूर्वक से एम सिंपल तरीका से हल कर सकें तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ये आपके सामने पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है विलोपन विधि तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स यदि आपके एग्जाम में विधि का नाम देके विलोपन विधि प्रतिस्थापन या वज्र गुण विधि का नाम देके कहता है तो आपको उसी विधि से सवाल को हल करना होता है तो फ्रेंड्स पहले हम आज हल करते हैं विलोपन विधि ठीक है अब देखिए ये सवाल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल रहेगा ठीक है थीके? अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स के अपने तरफ से मान लेंगे समीकरण नंबर वन इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दो अब देखिए फ्रेंड्स जब विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना है तो इसमें यक्ष यक्ष है य, वाई वाई है इसमें यक्ष का पद वाई का पद दोनों में बराबर आपको करना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बराबर नहीं है तो देखिए यहाँ पे पाँच वा लिखा है यदि इसमें हम पाँच का समीकरण नंबर दो में पाँच का गुड़ा करते हैं तो पाँच वाई हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण दो गुणे पाँच यानी समीकरण दो में पाँच का गुड़ा करेंगे तो समीकरण एक तो उसी तरह उतार लीजिए यानी चार एक्स प्लस पाँच वाई बराबर सात उतार लीजिए समीकरण नंबर एक का है समीकरण दो में कितना से गुड़ा करना पाँच से तो ये हो जाएगा पाँच दुना के दस एक्स प्लस ये हो जाएगा पाँच वाई फिर इसमें पाँच से करेंगे पाँच दुना के दस हो जाएगा और समीकरण नंबर ये दो का है इसलिए कि दो में समीकरण का गुड़ा किए हैं अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पाँच वाई पाँच वाई, वाई बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर क्या लिखेंगे घटाने पर जैसे घटाने पे लिखेंगे तो नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है ये प्लस है तो माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस है तो माइनस तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो दस में से चार घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस छः एक बचेगा ये पाँच में से पाँच जाएगा जीरो कट जाएगा इसको घटाए माइनस दस में सात घटाएंगे तो माइनस तीन हो जाएगा ठीक है अब देखिए इस माइनस को माइनस से काट देंगे ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर तीन और इसको पच्छा अच्छा देखिए तीन के हम तीन तीन दोनों का अच्छा एक बटा के दो यानी यक्ष का मान कितना आया फ्रेंड्स एक बटा के दो आया अब इस यक्ष का मान समीकरण एक चाहे दो में किसी में रख के हल कर सकते हैं तो चलिए हम समीकरण नंबर दो में रखते हैं यहाँ लिखेंगे अब अगला स्टेप में कि समीकरण दो में यक्ष बराबर एक बटा के रखने पर ठीक है देखिए फिर जिस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप हल करें इसी तरह आपको बोर्ड की कॉपी में हल करना है ठीक है अब देखिए यहाँ समीकरण नंबर एक लिख ले समीकरण नंबर दो लिख लेते हैं क्या है दो एक प्लस वाई बराबर कितना है दो ये समीकरण नंबर दो है इसमें मान रख लीजिए देखिए दो गुण यक्स की जगह कितना रखना है एक बटा के दो प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दो देखिए दो से दो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक यहाँ आपका बच जाएगा एक प्लस वाई बरा कितना हो जाएगा दो अब पच्चानता कर लीजिए वाई दो माइनस एक तो वाई बरा कितना हो जाएगा दो में से एक जाएगा एक यानी वाई का मान कितना आया एक और यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एंसोर हो जाएगा देखिए आप क्या लिखेंगे एंसोर में कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर लिखिएगा एंसोर इंग्लिश में लिख दीजिए हिंदी में कोई दिक्कत नहीं यक्स का मान आया है एक बटा के दो और वाई का मान आया है एक और यही फ्रेंड्स आपका क्या होगा होगा तो जिस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया फ्रेंड्स ये इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में एकदम सेम टू सेम हल करना है यदि इस प्रकार से हल करते हैं तो आपका एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अगला सवाल है निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए देखिए फ्रेंड्स अब इसको क्या करना है कि अब इसको आप सवाल जो दिया है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है अब यहां से क्या करेंगे कि देखिए ये आपको दिया है प्लस दू वाई बराबर तीन दो समीकरण दिया है इसको अपने अनुसार समीकरण एक या समीकरण दो मान लिया जाएगा अब यहां से क्या करते हैं फ्रेंड्स देखिए यहाँ प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसमें और इसमें दोनों में से किसी एक में से यक्ष का मान ज्ञात करना है तो चलिए इससे हम यक्ष का

रखने पर देखिए विधि से लगा रहे हैं ठीक है अब चलिए समीकरण नंबर एक पर लिख लीजिए यहाँ पे सात एक्स प्लस पंद्रह वाई बराबर दो ये समीकरण नंबर एक है इसमें रख दीजिए सात गुड़ का मान कितना है तीन माइनस दो वाई तो यहाँ पर लिखेंगे तीन माइनस दो वाई बराबर यहाँ प्लस है तो प्लस बनाइए प्लस बन जाएगा यहाँ पे पंद्रह वाई बराबर कितना है दो ठीक अब देखिए इसी को हल करना है देखिए अब गुड़ा की सात का तीन में करेंगे सात त्री के इक्कीस माने सात के चौदह वाइन प्लस ये कितना है पंद्रह वाई तो पंद्रह वाई लिखिए बराबर दो कर लीजिए ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे इक्कीस का अंक है तो इसको एक साइड पर पच्चातर देखिए माइनस चौदह देखिए यहाँ पर लिख लिए माइनस चौदह वाइन प्लस पंद्रह वाई यहाँ पर हो जाएगा दो पच्छातर इक्कीस को करेंगे माइनस इक्कीस हो जाएगा अब घटाइए तो पंद्रह में से चौदह घटाएंगे तो सिर्फ वाई बचेगा और 21 में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 और माइनस उन्नीस बचेगा तो y का मान कितना है आपका y का, का मान है माइनस उन्नीस अभी आपको x का मान ज्ञात करना है तो देखिए तीन माइनस दो वाई बराबर समीकरण नंबर दो माने है ना इसी में उठा के रख दी है वाई का मान तो यहाँ पे आप अगला स्टेप लिखेंगे कि समीकरण दो में y बराबर माइनस उन्नीस रखने पर समीकरण दो देख लीजिए कहाँ पे समीकरण दो यह है पर समीकरण दो के यहाँ पे लिख लीजिए यक्स बराबर कितना है तीन माइनस दो वाई बराबर माने हैं समीकरण नंबर दो है यहाँ पे चलिए मान रखते हैं यहाँ पे एक है तीन माइनस दो गुड़े वाई का मान कितना माइनस उन्नीस तो माइनस उन्नीस रखेंगे देखिए तीन देखिए उन्नीस गुड़ा दो में अड़तीस हो जाएगा और माइनस माइनस का गुड़ा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ठीक है यक्स बराबर कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए तो इकतालीस होगा यहाँ पे यक्ष का मान आया आपका इकतालीस अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे तो आप यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा इस तरह ठीक और यहाँ पे यक्ष का मान कितना आया इकतालीस और वाई का मान कितना आया है माइनस उन्नीस और यही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसी प्रकार से आपको लिखना है देखिए फ्रेंड्स दो विधि आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से आपको सवाल किस प्रकार से हल करना है बता दिए अब चलिए अब हल करते हैं वज्र विधि से कि सवाल को वज्र विधि से कैसे हल किया जाता है तो आपके सामने ये अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स ये सवाल है आपके सामने कि निम्न समीकरण को वज्र विधि से हल कीजिए ठीक है फ्रेंड्स देखिए अब वजुण विधि से हल करना है ये आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल प्रश्न बनता है देखिए पहले समझते हैं कि वज्र होता क्या है देखिए फ्रेंड्स आपके सामने दो रखे समीकरण देगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन टू जीरो ए टू यक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजल टू जीरो तो इसको फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस फार्मूले को देख लेते हैं कि व गुण होता क्या है देखिए व गुण विधि से हल करना होगा तो ये फार्मूला यक्स अपन ठीक है यदि यक्स वाला पद लेंगे तो आप ए को छोड़ के इसको इसी तरह लिख लीजिए कैसे है बी वन बी टू लिखिएगा फिर इसके बाद सी वन सी टू लिख लीजिएगा फिर बराबर का चिन्ह दीजिएगा फिर उसके बाद वाई लिखिएगा वाई लिखने के बाद देखिए सी वन सी टू है तो यहाँ पे सी वन C2 लिखिएगा फिर इसके बाद Y वाला लिखा है तो C ए सी लिख दिया ए वन ए टू लिखिएगा ए वन ए टू लिख लीजिएगा बराबर दीजिएगा यहाँ पे एक लिखिएगा अपान कीजिएगा देखिए A1 A2 ए टू है तो यहाँ पर ए वन ए टू लिखिएगा फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है ए वन ए टू लिखने के बाद बी वन बी टू लिख लीजिएगा ठीक है ये होता है वजह अब देखिए इसको क्या करना है इसका इसमें गुणा कीजिएगा इसका तीरिया गुणा करना है ठीक देखिए पहले वह जो गुण समझ लीजिए फ्रेंड्स तभी आप सवाल लगा पाएंगे अब इतना लिखने के बाद अगला स्टेप में क्या करना है कि यक्ष अपान तिरय गुणा कीजिए देखिए बी वन का सी टू में कीजिएगा तो बी वन सी टू होगा और यहाँ पे माइनस का चीन होगा अब इसका कीजिए बी टू सी वन होगा देखिए कितना सिंपल है आपका इसको समझ लेंगे तो तुरंत सवाल लगा लेंगे सी वन का एम करिए देखिए ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू हो जाएगा अब इसी प्रकार यहाँ कर लीजिए यहाँ पे एक लिख लीजिए अपान कीजिए देखिए यहाँ भी गुणा कीजिए ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ठीक ये था वज्र अब चलिए इस पर सवाल लगाते हैं देखिए सवाल किस तरह एकदम तो सिंपल तरीका से लगेगा ये हो गया आपका वज्र अब इसी सवाल को लगाते हैं देखिए आपके सामने दो रैखिक समीकरण है अब इस सवाल को हल करना है तो देखिए कैसे हल करेंगे इस तरह बराबर का चिन्ह दीजिएगा यहाँ यक्ष है तो यहाँ पर यक्ष लिखिएगा अपान कीजिए अब x वाले पद को छोड़ के इधर जो लिखा लिख लीजिए देखिए यहाँ पे y के गुणांक कितना है पाँच है तो पाँच लिखिए यहाँ पे y के गुणांक कुछ नहीं तो एक होता है ठीक है तो यहाँ पे एक लिख लीजिए इसी तरह यहाँ पे दो लिखिए और यहाँ पे सात बराबर कीजिए फिर यहाँ पे y लिखिए लिखने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स वाई वाला छोड़ के देखिए दो सात लिखा है तो पहले दो और सात लिख लीजिए फिर इसके बाद ये यक्स वाला गुणांक लिखिए चार और तीन है तो चार तीन लिख लीजिए बराबर यहाँ पे एक देखिए चार तीन लिखा है तो यहाँ पे चार लिखिए फिर इसके नीचे तीन लिख लीजिए चार तीन लिखने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको इसका छोड़ के आप कहा लिखना है वाई वाला गुणांक लिखना है यानी पांच एक लिख लीजिए ठीक अब आपको क्या करना है ऐसे तिर गुणा करना है एकदम सिंपल तरीका से फ्रेंड्स सीखिए आप एकदम आराम से सब सवाल सीख जाएंगे देखिए अब अगला स्टेप में क्या करना है यहाँ पे लिखिए यक्ष अपान गुणा कीजिए देखिए सात के पांच में करेंगे सात पच पैंतीस ठीक और बीच में माइनस का चिन्ह होगा दो का एक में करेंगे दो एक दो बराबर वाई बटा के तीन का दो में करेंगे तीन दुना के छः माइनस सात चौक को अट्ठाईस बराबर एक, एक का चार में करेंगे चार होगा माइनस तीन का पाँच में करें तीन पाँच पंद्रह हो जाएगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए आप यस पैंतीस में से दो घटेगा कितना बचेगा तैंतीस बराबर वाई अब अट्ठाईस में से छः घटाइए तो आठ में से छः दो बचेगा यानी बाईस हो जाएगा अट्ठाईस में से अट्ठाइस में से घटाया तो अट्ठाइस से माइनस की तो माइनस रखेंगे बराबर एक बटा के पंद्रह में चार घटाइए कितना बचेगा ग्यारह पंद्रह में से घटाए पंद्रह के सामने माइनस की नहीं तो यहाँ पे माइनस रखिए अब आपको यक्स और वाई का मान ज्ञात करना तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स देखिए तीनों पद आपस में बराबर है तो आप यक्स यक्स बटा के तैतीस की तुलना किसने करेंगे एक बटा के माइनस ग्यारह से करेंगे तो चलिए यहाँ पे करते हैं रखिए है। यक्स बटा कितना है तैंतीस तो यहाँ पर तैंतीस रखेंगे बराबर एक बटा के कितना है माइनस ग्यारह तो माइनस ग्यारह ठीक है हल कीजिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है यक्स बराबर इसका यहाँ गुणा कर करिए तैंतीस का एक करेंगे तो तैंतीस ते ते होगा और अपान कितना होगा ग्यारह होगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको माइनस है तो माइनस रखिए अब भाग ये इसको कटा लीजिए या भाग दे लीजिए देखिए ग्यारह केम ग्यारह ग्यारह तैयार है तैंतीस ते ते तो ते कितना माइनस तीन है तो माइनस लगा लीजिए माइनस तीन यक्स का मान कितना है आपका माइनस तीन हुआ ठीक है अब इसी प्रकार आपको क्या करना है फ्रेंड्स वाई बटा के माइनस बाईस लिखा है तो इसकी तुलना इसी से कीजिए देखिए कैसे करेंगे चलिए यहीं पर करके आपको दिखाते हैं वाई बटा कितना है माइनस बाईस है बराबर एक बटा के कितना है माइनस ग्यारह है देखिए माइनस माइनस आप काट सकते हैं अब वाई बटा क्या हो जाएगा आपका बाईस का एक में करेंगे तो बाईस का एक में करेंगे तो बाईस होगा बटा के ग्यारह होगा अब देखिए के, में ग्यारे ग्यारे के बाईस। कितना हो जाएगा दो। तो आपका यक्स कितना है? वाई है। आपको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे? माइनस तीन कामा वाई बराबर कितना लिखेंगे दो ठीक है तो इस प्रकार से आपको वज्र गुण विधि से आपको कितना सिंपल तरीका सवाल सिखा दिया और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम चार से छः नंबर का प्रश्न आता है ठीक है तो इस प्रश्न को आप जितना आपको बताए हैं प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि वजुण विधि से आपको हल करने का तरीका आपको बता दिए हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें